आई एम गोना से दिस लाइन एंड देन यू गाइस कैन टेल मी इन द कमेंट्स कि मैं सच बात बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। आजकल व्लॉगिंग में बच्चे पैदा करना इट सीम्स लाइक अ फैक्ट्री विच विल प्रिंट आउट मनी फॉर यू। लीव एवरीथिंग एल्स, जस्ट टेल मी इन द कमेंट्स कि दिस थिंग इज ट्रू और नॉट। सो मेरी लास्ट तीन वीडियो में आई हैव टॉक्ड अबाउट थ्री कपल्स एट दिस पॉइंट एंड टुडे आई वांट टच ऑन टू थिंग्स। रिद्धि एंड सहवाग, दे जस्ट हैड अ डिलीवरी एंड इट वॉज वेरी पब्लिक एंड इट मेड मी रियली अनकंफर्टेबल। एंड सेकेंड थिंग इज दैट आई थिंक आई फाउंड फर्स्ट कपल को टक्कर देने के लिए आई फाउंड अ न्यू कपल। पहले इन लोगों की बात करते हैं। सनी रितिका ऑफिशियल 100% get reply, main account follow Sunny Ritika couple. So yeah, hello everyone, welcome back. बाकी कपल जैसे ही सनी एंड रितिका एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। सनी एंड रितिका एक दूसरे के लिए अपनी जान दे सकते हैं एंड सनी एंड रितिका एक दूसरे के लिए किसी और की जान ले भी सकते हैं या फिर सनी एंड रितिका एक दूसरे के लिए एक जान पैदा भी कर सकते हैं। Okay, see, so cute, right? That is kind of cute, like the way he holds her, it is cute, okay? I'm not gonna say this thing. हर एक चीज से मैं गुस्सा नहीं होता हूँ, ठीक है? ऐसी बात नहीं है। I understand this thing, कि the way he is holding her is very cute and he's like loves her, right? ठीक है, तुम्हारी perfect relationship है, हमको दिखाने कोई जरूरत नहीं है, चल भाग यहाँ से। But dude, imagine, when have you ever seen that thing happening in like real life? ऐसे मुंह खोल के, मुंह खोल के ऐसे कौन करता है अपने पार्टनर के सामने भाई? इफ आई प्ले द थिंग विदाउट ऑडियो के इट बिकम्स सो अनकंफर्टेबल। क्या कर रहे है तू? कौन ये किस लिए कर रहे है तू? ये जाके फूल को भी बेच, चल निकल। सो ये दोनों तुम लोगों के लिए वो ही कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि सारे के सारे कपल्स अभी तक प्रोवाइड कर रहे थे। बट आई डू हैव टू से दिस थिंग, ठीक है? दीस टू दे सीम लाइक that they are fine with it. मेरी बात सुन, ठीक है? बाकी कपल्स के व्लॉग्स या फिर बाकी कपल्स की वीडियोस देख के ऐसा लगता है ना कि वो लोग में से किसी एक को, दो लोगों में से किसी एक को सिर्फ ये कंटेंट बनाना है एंड दूसरा बस घिस रहा है उसके साथ। पर इन दोनों के साथ ऐसा नहीं लगता है मुझे, राइट? एंड एक्चुअली दे बोथ काइंड ऑफ सेम इन लव। हाँ, okay, I'm not watching anymore. I mean, it is cute, but it's making me uncomfortable. So yeah. So I'm actually happy for Sunny and Ritika कि दोनों प्यार में हैं and ये दोनों साथ में content बनाना चाहते हैं. And just like any other couple, they are also having a baby. Baby की क्या जरूरत है? Just adopt me. मेरे को adopt कर लो. पालने में बैठ के हगो मुँतू में. पालने में बैठ के हगू मुँतू में साफ करे पापा. पालने में बैठ के हगू मुँतू में साफ करे पापा. 1 1 4 2 2 4 मुझे नहीं आ। जो लोग मौज टकाटक में जाके शायरी नहीं मारते उनसे भी गायक उतरो और मैं आजकल, ठीक है? God damn, they were no man. Why? She's just 17. इतनी जल्दी क्या है सबको बच्चे पैदा करने की भाई? आई नो दिस थिंग की पॉपुलेशन रेशियो इज गोना कोलैप्स इन नियर फ्यूचर, ठीक है? और वो नियर फ्यूचर की बात है मेरे भाई, अभी से यू डोंट नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट थिंग। पर फिर भी सनी एंड रितिका के साथ ना मुझे इतना अजीब सा नहीं लगता, अनलाइक सहवाग एंड रिद्धि। ओके, जुड़ सहवाग एंड रिद्धि के लिए तो मुझे ओह माय गॉड, मेरे को और किसी के लिए नहीं, मेरे को ना रिद्धि के लिए बुरा लग रहा है क्योंकि जीसस क्राइस्ट, ठीक है? सो इफ यू गाइस हैव नॉट वॉच माय प्रीवियस वीडियो, प्लीज गो एंड वॉच इट क्योंकि उसमें मैं थोड़ा समझाता हूँ। राइट नाउ आई एम नॉट गोना एक्सप्लेन दैट थिंग, ठीक है? सो दे बोथ हैड अ बेबी, वेरी क्यूट थिंग, राइट? एंड आई एम जस्ट गोना प्ले अ स्मॉल पार्ट टू जस्ट शो यू कि रिद्धि कितना ज्यादा पेन में थी। दो अलग अलग है, मतलब तेरे को जो पसंद है वो खा ले वरना दोनों ही खा ले। आई फील सो बैड फॉर हर क्योंकि उसकी शक्ल पे दिख रहा है कि शी इज सो मच बेटर, शी डज नॉट वांट टू बी ऑन कैमरा। सी, यही चीज मैं बोल रहा हूँ कि पहले दो के साथ ऐसा नहीं लग रहा है कि वन ऑफ देम डज नॉट वांट टू बी ऑन कैमरा, पर रिद्धि के साथ सीरियसली जब से शी इज बीन ऑन लेवर उसकी शक्ल देख के पता चल रहा है कि शी डज नॉट वांट टू बी देयर, शी डज नॉट वांट टू बी देयर बट शी हैड टू डू इट, ठीक है? आई फील सो बैड, शी इज नॉट इवन स्पीकिंग बिकॉज शी इज लाइक सो मच इन पेन। ओके, ये सब पसंद नहीं, मतलब चाय के साथ बिस्किट कभी खाया नहीं इसीलिए
खाती नहीं वो. Stop, bro. वो उसकी तरफ देख भी नहीं रही है. Oh my God. So, रिद्धि को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है. ठीक है, let me remind you this thing again, कि 15 साल की उम्र में रिद्धि को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है. एंड आई फील लाइक सहवाग ने इस पॉइंट पे अपने कॉमेंट्स पढ़ लिया था. तो लोग सहवाग को बोल रहे थे ये चीज की तेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, तू बस कॉन्टेंट बना रहा, तू बस ये कर रहा. ठीक है, तुझे अपनी बीवी के लिए खुद बुरा नहीं लगता तो हमें क्यों लगेगा. एंड ब्रो, इस चीज का आंसर पता क्या था सहवाग का? This kid, ये बच्चा एक दूसरे बच्चे का ध्यान नहीं रख पाएगा. आई नो दिस थिंग. Until and unless ये अपने आप में बहुत ही खतरा वाला चेंज. Until and unless that thing happens and until and unless he like suddenly एक रात में ऐसे ना मर्द बन जाए अंदर से, आई डोंट थिंक दैट ही कैन टेक केयर ऑफ अ बेबी. ओके ओके, मेरे को एक बार रिफ्रेस करो इस चीज को. ठीक है, बेबी के जैसे मत सोचो इसको. एक बच्चा सिर्फ एक बच्चा और लाइक एक छोटा सा तुम्हारे लिए थंबनेल नहीं है. एक बच्चा एक नई जान है जिसकी पूरी एक नई लाइफ होगी. अगर पहले के 3-4 साल उसके खड्डे हो गए, पर अगर पहले 3-4 साल एक बच्चे के खराब हो गए ना, then how will that kid live a proper life? पहले कुछ सालों में अगर उसे न्यूट्रिशन नहीं मिला, right? So, न्यूट्रिशन से मेरा कहने का मतलब है कि एक माँ का दूध, एक छोटा बच्चा और ज्यादा खाएगा क्या, बनाएंगे सब्जी तो डालेंगे नहीं सीधा मुंह में. So, एक माँ का दूध, देयर इज नथिंग ग्रॉस अबाउट इट, शट द फक अप. एक माँ का दूध इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ किड. मे बी रिद्धि विल बी एबल टू प्रोवाइड दैट थिंग, और मे बी शी वोंट बी एबल टू प्रोवाइड दैट थिंग बिकॉज शी इज 15. पर जैसा मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि शी कैन हैव डिप्रेशन, उस चीज के वजह से मे बी शी विल नॉट जनरेट मिल्क. मेरी मम्मी को भी मेरे टाइम पे दूध नहीं आया था. अब देखो मुझे बिल्कुल ही सड़वा यूट्यूब वीडियो बना रहा है. तू चाहता तेरा बच्चा तू चाहता है तेरा बच्चा फ्यूचर में यूट्यूब वीडियो बनाए. लाइक ऑल आई कैन डू इज लाइक टेक दिस थिंग जोकिंगली, बिकॉज आई जस्ट डाइवर्ट ऑल ऑफ द सीरियसनेस इनटू जोक्स. बट आई एम वेरी स्केयर्ड फॉर हर मैन. आई एम सो स्केयर्ड फॉर हर. आई एम सॉरी, मुझे सॉरी बोलना पड़ रहा है साले. गर्ल्स have it worse, man. Girls have it worse, seriously. Dude, if you're giving birth, you should be able to say no to these kind of assholes. Like, I know this thing ki ye Riddhi ka is time pe emotional support hai. But goddamn, man. पहले क्यों नहीं सोचा यार तूने? रिद्धि का लेबर पेन ज्यादा होने लगा है. हाँ. देखते के कितने बजे और अभी चलते हैं रिद्धि के पास. तुझे बहुत बुरा लग रहा होगा ना साले? अभी 1:30 बज गए हैं तो चलो अभी चलते हैं रिद्धि के पास. अभी रिद्धि का क्या हाल है? अभी तो जब थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा था तभी रिद्धि का बुरा हाल हो गया था. तो अभी देखते हैं. और मैंने तो भगवान से यही प्रे करता हूँ कि रिद्धि का नॉर्मल डिलीवरी हो जाए और कोई भी प्रॉब्लम ना आए. तो चलो चलते हैं अभी रिद्धि के पास. तो कहीं से भी मैं रिद्धि के पास गया था और अभी रिद्धि को रोता देख कर मेरे हाथ में से भी पानी आने लगता. कहाँ है पानी? कहाँ है पानी? पानी दिखा मुझे सारे. वापस आ, झुट्टा कहेगा. I'm so angry at him. I don't want this to be a hate video, but I'm so angry at him. Like, I don't know why. ठीक है, मेरा बच्चा भी है, dude. I feel like मैं जब 40 को हो जाऊंगा तब भी मैं mentally इतना mature नहीं होऊंगा कि I will make a baby. चीकी वीकी is a separate thing. Having a baby, having a new life is a separate thing. ठीक है, और तू तो acting भी नहीं कर सकता भाई. ब्रह्मास में रणबीर कपूर की जगह तेरे को ले लेते. What a fucking idiot. I hate him, dude. Oh my god, dude. पानी दिखा तू मेरे को. ठीक है, अगर मेरे को एक बाल्टी पानी नहीं मिला ना तेरे से तो मां के गांव. वो तो कर रही है सास. तू क्या कर रहा है व्लॉग? ओह माय गॉड, दिस इज गोना टर्न इनटू अ हेट वीडियो. I think I'm done with Sehwag and Riddhi, man. मेरे को ऐसा लग रहा था कि ना बच्चा पैदा होने के बाद he will take a break, but that is not the case. That is not the case. See, he posted one day ago. Bro, so he had the time to edit a video. He had the time to shove his phone. Phone leke Riddhi ke muh mein. Aha, I cannot believe this guy, man. I seriously cannot believe this guy. Ye YouTube ka bahut zyada kharab and bahut zyada beneficial part hai. Pehle main bol raha tha ki socho, but I think ki bacche फैक्ट्री है, पैसे कमाने की फैक्ट्री है बच्चे यार. ओके, आई एम डन. मैंने माँ की कसम यहाँ पे जब मैं बैठा था तो मैं यही सोच के आया था कि आज थोड़ा लाइट वे में लेते हैं इस चीज़ को. आई कैन नॉट डू दैट थिंग. आई कैन नॉट. ओह माय गॉड, आई फील सो बैड.
that's all I can say. Sorry for ruining your mood. Please go write nice comments to Riddhi. Just shower her with love. That's it. Yeah, I cannot. That's it.